ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस 14 जनवरी से इम्फाल में भारत नया यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा का जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी हिस्सा बनेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में दिए बयान में कहा कि वे कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थे। 14 जनवरी को इम्फाल से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा का भी हिस्सा बनेंगे। इस दौरान पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने के राहुल गांधी जो है एक नई यात्रा लेके आ रहे हैं इम्फाल से 14 जनवरी को, क्या आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है, इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल, पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल हैं। साहब, आप बोल रहे हैं कि कश्मीर जो है अभी गाजा बनने वाला है, जिस तरीके से हालात पूरे मुल्क भर में है, इसका मुद्दा क्या है? मतलब क्या इस तरीके की अभी हालात है? हो जाएंगे, आप क्यों अभी तैयारी कर रहे हैं? अगर दो मुल्कों में दोस्ती की राह नहीं बने तो क्या रास्ता है? आतंकवाद है, चीन भी हमारी सरहदों में बैठा हुआ है या नहीं है? अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो बम किस पे गिरेंगे? क्या हवा में गिरेंगे या आप पे गिरेंगे? इसीलिए मैं हर बार कहता हूं, जो भाजपा जी ने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती की राह बनाएंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो मुसीबतों का। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।